नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अक्टूबर 2020 में, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 या फिर अब जनवरी 2021 में अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो उनके ऊपर इग्नू की तरफ से एक रिप्लाई आया है, जवाब आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उनके रिजल्ट के बारे में इग्नू की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट जवाब आया है, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आपने भी अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम इसका जो मेल है उसको पूरे को देखेंगे और उस मेल का मतलब क्या है उसके बारे में भी पूरा जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए साल में इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 6 अल्टीमेट बैचेस, जो कि आपकी मदद करेंगे ना सिर्फ एसएससी बल्कि रेलवे और आईबी जैसी एग्जाम्स की तैयारी करने में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको मिल सकता है मौका ढेर सारे लाइव क्लासेस, क्विजेज और टेस्ट में हिस्सा लेने का। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2021 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है सशक्त बैच, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा हिंदी में कंडक्ट किया जाएगा। इस बैच में सीजीएल और सीएचएसएल के हर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। वरुण अवस्थी सर, रानी सिंह मैडम और अभिनय सर जैसे टॉप एजुकेटर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट्स के लिए ला रहे हैं एग्जाम क्रैकर बैच, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस और फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन। पिछली बार के धमाकेदार रिस्पांस के बाद एक बार फिर आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, आपकी एसएससी रेलवेज और बैंक्स की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए। इन बैचेस के अलावा आप इनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के और भी स्पेशल बैचेस में, जो कि एसएससी सीजीएल और आईबी एग्जाम्स की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। स्टूडेंट्स के लगातार मिल रहे सपोर्ट के चलते अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस हैक की डेट बढ़ा दी गई है। कुछ ही दिनों में प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, इसलिए आज ही इनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड चौहान वीडियोज़, इनरोल करें इन स्पेशल बैचेज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेज का लिंक मेरे रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक इट। मुझे मेल किया गया था, उसमें उनका इनरोलमेंट नंबर भी था, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर से स्क्रीनशॉट में काट दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेल है उसमें लिखा हुआ है, सिंस यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट इन अक्टूबर 2020, क्योंकि आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट किया अक्टूबर 2020 में, दिस वुड बी एवेल्यूएटेड फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम। तो इसलिए उनको एवेल्यूएट जो किया जाएगा, उनको चेक जो किया जाएगा, वो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम में किया जाएगा। एंड द मार्क्स विल बी अपडेटेड ऑन द ग्रेड कार्ड, और आपके जो मार्क्स हैं ग्रेड कार्ड में वो अपडेट किए जाएंगे अलॉन्ग विद द, यानी कि साथ में टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट ऑफ दिसंबर 2020, टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जो दिसंबर 2020 का होगा, शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन फरवरी 2020, जो कि फरवरी 2020 में होने वाला है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आपने क्योंकि अक्टूबर में अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप जितने भी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो क्योंकि आपने अक्टूबर से किए थे अपने असाइनमेंट शुरू सबमिट करना, तो इसलिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके ग्रेड कार्ड में लगेगा जब आपका फरवरी का एग्जाम हो जाएगा। यानी कि फरवरी एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन फरवरी एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस दिन से आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरीके से कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी महीनों से अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं अक्टूबर से, आप जैसा कि देख सकते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनका असाइनमेंट की कोई अपडेट नहीं आई। तो इग्नू की तरफ से साफ कहा गया कि अक्टूबर में अगर आपने सबमिट किए थे, नवंबर में किए थे, दिसंबर में या जनवरी में किए थे, तो आपका अब जो असाइनमेंट का रिजल्ट आएगा वो आपके फरवरी एग्ज़ाम रिजल्ट के साथ आएगा। फरवरी एग्ज़ाम होने वाले हैं 8 फरवरी से, जो कि मार्च तक चलेंगे और उसके बाद फिर मार्च के एंड तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो आपको मार्च एंड में आपके असाइनमेंट के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि फरवरी से आपके असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट होना शुरू हो जाए, लेकिन जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि आपके मार्क्स जो ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाएंगे असाइनमेंट के, वो कब से किए जाएंगे, जब आपका फरवरी का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको अभी काफ़ी इंतज़ार करना होगा, यानी कि कम से कम 1 से 2 महीने का और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है अपने असाइनमेंट के रिजल्ट को देखने के लिए। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा और आपका असाइनमेंट का रिजल्ट फरवरी मार्च से अपडेट होना शुरू होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही।